हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम लोग क्या पढ़ना है कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हम लोग को आज देखना है। हेडिंग देते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम लोग आज सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व काहे करते हैं ये पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट दो फंक्शन जब प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे एफ एक्स इंटू क्या है जी एक्स, एफ एक्स इंटू क्या है जी एक्स इंटू क्या है डी एक्स, इसको हम लोग क्या करना है सॉल्व करना है। अगर दो फंक्शन अगर प्लस और माइनस के फॉर्म में रहेगा तो इसको आसानी से क्या आता है, जैसे साइन एक्स प्लस क्या है कॉस एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कैसे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ले लेंगे। बट यही क्वेश्चन अगर इस टाइप का रहे कि एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या है कि एक फंक्शन एक्स है दूसरा फंक्शन क्या है कॉस एक्स है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन दो फंक्शन आपस में क्या है प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या है। तो एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, मान लेते हैं ये पहला फंक्शन क्या है एफ एक्स है और सेकंड फंक्शन क्या है जी एक्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन को होल्ड करेंगे एफ एक्स और दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स हो जाएगा, माइनस पहला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन डी ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डी एक्स, एंड दूसरा फंक्शन का क्या होगा इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स हो जाएगा, इस ओवरऑल का क्या होगा इंटीग्रेशन होगा। तो ये तो रहा फॉर्मूला कि एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है तो इसको सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं कि एफ एक्स पहला फंक्शन है और जी एक्स दूसरा फंक्शन है, कैसे होगा पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन बाद में बता रहे हैं, बट इस फॉर्मूला को पहले समझ लेते हैं कि फॉर्मूला का यूज कैसे करना है। तो पहला फंक्शन को होल्ड करेंगे और दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, माइनस पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन, इस ओवरऑल का जो आंसर आएगा उसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। हमको डिसाइड कैसे करना है कौन सा फंक्शन पहला होगा कौन सा फंक्शन दूसरा होगा, उसके लिए हम लोग याद करते हैं एक ट्रिक हमारे पास आई लेट, क्या होता है आई लेट, ये ट्रिक का यूज़ करके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा और कौन सा फंक्शन सेकेंड होगा। तो पहले मीनिंग जान लेते हैं कि आई फोर क्या होता है आई टी एफ होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L4 क्या होता है लॉग होता है, और E4 क्या होता है अलजेब्रा होता है अलजेब्रा, और T4 क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, और E4 क्या होता है एक्सपोनेंट होता है एक्सपोनेंट होता है। समझना ये है कि जैसे आईलेट में है तो जो फंक्शन जैसे पहले आई टी एफ आएगा तो उसको पहला मानेंगे, पहले लॉग आएगा तो पहले लॉग को पहला मानेंगे, अलजेब्रा पहले आएगा तो अलजेब्रा को पहले मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पहले आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री को पहले मानेंगे, एक्सपोनेंशियल पहले आएगा तो एक्सपोनेंशियल को पहला मानेंगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट इस फॉर्मूला का यूज करके कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको क्या हो क्लियर हो। जैसे क्वेश्चन लेते हैं क्या कि एक्स इंटू क्या है साइन एक्स है, तो x इंटू साइन एक्स इंटू क्या है डी एक्स है, तो x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स में पहले डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शन, यहाँ पे क्या है दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो हम लोग को समझ जाना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करना है। तो मान लेते हैं x क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो डिसीजन हमको लेना है कि कौन सा फंक्शन पहला होगा कौन सा फंक्शन सेकंड होगा, तो आईलेट का यूज करते हैं। आईलेट में हम लोग क्या देखते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आता है, इसलिए अलजेब्रिक फंक्शन क्या मानेंगे पहला और साइन एक्स को क्या मान लेंगे सेकंड। अब अकॉर्डिंग फार्मूला क्या कहता है कि पहला फंक्शन को क्या करना होल्ड करना है, दूसरा फंक्शन का क्या होगा इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स, माइनस पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो पहला फंक्शन हमारा क्या एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स, इस टोटल का क्या होगा होल इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, इस माइनस को बाहर निकाल के माइनस माइनस क्या लिख देंगे प्लस, ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स,
माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इंटरग्रेशन ऑफ क्या हो गया, कॉस एक्स इंटू क्या हो गया, डी एक्स हो गया, माइनस हो जाएगा माइनस एक्स इंटू क्या होगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, और एक इंटीग्रेटिंग क्या ले लेंगे, कॉन्स्टेंट ले लेंगे। क्लियर आ गया? एक देखो सबसे पहले क्या किए हैं, एक्स और साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना था, तो पहले डिसीजन कर लिए हैं कौन सा फंक्शन पहला होगा, कौन सा फंक्शन सेकंड होगा। तो आइलेड के अकॉर्डिंग अल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, तो एक्स को पहला फंक्शन मान लिया और साइन एक्स को सेकंड फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है हमारा, फार्मूला में क्या है, फार्मूला में क्या है कि पहला फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग होल्ड करते हैं, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है माइनस पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन, इस टोटल क्या होगा, होल इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है क्या? तो उसी हिसाब से हम लोग क्या किए हैं, पहला फंक्शन को होल्ड किए हैं एक्स को, और साइन एक्स का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ। तो एक्स का एक्स हुआ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस का माइनस, डी एक्स डी एक्स कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, और ये डी एक्स हो गया, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो गया माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स प्लस सी। क्लियर है क्या? एक दूसरा क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं इसको, इसी चीज़ को। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या लेते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ ले लेते हैं क्या, एक्स इंटू क्या है, कॉस एक्स। सेम क्वेश्चन है, कुछ चेंजिंग नहीं है, बस साइन एक्स जब क्या है, कॉस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही पहले पहले ये समझ लेते हैं कि एक्स हमारा क्या अलजेब्रिक फंक्शन है और कॉस एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन आइलेट में क्या होता है कि अलजेब्रिक फंक्शन में, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको पहला मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फार्मूला पहला फंक्शन को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, दूसरा फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स माइनस पहला फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो पहला फंक्शन हमारा क्या, एक्स है, तो डी एक्स बाय क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, एंड दूसरा क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो दूसरा फंक्शन क्या है, सॉरी, दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉस एक्स है। तो क्या लेंगे, कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, और इस टोटल का क्या होगा, होल इंटीग्रेशन होगा। तो क्या होगा देख लेते हैं, एक्स को एक्स होल्ड किए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, माइनस इस डी एक्स से ये डी एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और क्या हो जाएगा, और वैसे भी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन ही होता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू क्या हो गया, डी एक्स हो गया। तो एक्स साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट सी। तो एक्स साइन एक्स हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ही कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या है कि e की पावर x इंटू क्या रहेगा, एफ एक्स प्लस क्या होगा, एफ डैश एक्स इंटू क्या है, डी एक्स। तो इसको हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसका जो आंसर होता है वो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। इसका जो फाइनल आंसर क्या होता है, e की पावर x इंटू क्या होता है, e की पावर x इंटू क्या होता है, एफ एक्स होता है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, e की पावर x इंटू क्या होगा, एफ एक्स प्लस क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, e की पावर x इंटू क्या है, साइन एक्स है, अब प्लस क्या है जी, कॉस एक्स है। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। इसको क्या रखना है, आपको हमेशा रखना है याद, क्योंकि क्या है ये है फॉर्मूला। फार्मूला को याद नहीं करिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए फार्मूला को हमेशा याद रखिए। अब इसी फार्मूला पे क्वेश्चन देखते हैं, क्या e की पावर x इंटू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर साइन एक्स को हम लोग एफ एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, साइन एक्स को एफ एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो कॉस एक्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, इस फार्मूला में क्या है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का जो आंसर है, e की पावर x इंटू क्या है, एफ एक्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, e की पावर x इंटू एफ एक्स क्या है, इसमें साइन एक्स है, तो e की पावर x इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। क्लियर है क्या? एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्या है,
ई की पावर एक्स है इंटू क्या है एल एन एक्स है, अब प्लस क्या है वन बाई एक्स है इंटू क्या है डी एक्स है, इसमें सॉरी यहाँ पे डी एक्स छूट गया था कर लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है लगभग लगभग क्या है इसी फॉर्मूला पे अकॉर्डिंग ई की पावर एक्स देखिए और इस टाइप को देखे तो आपको समझ जाना है इसी फॉर्मूला का हम लोग क्या करना है यूज़ करना है। तो एल एन एक्स को अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स की तरह ट्रीट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स क्या होता है वन बाई एक्स हो जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे एफ डैश एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर इसका ई की पावर एक्स इंटू क्या होता है एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स हमारे पास क्या है एल एन ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। क्लियर है क्या इस फॉर्मूला का आप लोग क्या करना है याद रखना है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्या है, एक कॉन्सेप्ट क्या है कि ई की पावर एक्स इंटू क्या है एफ एक्स है और इस बार क्या है प्लस एफ डैश एक्स नहीं है माइनस क्या है एफ डबल डैश एक्स इंटू क्या है डी एक्स है, तो इसका भी आंसर आप लोग को हम ऑलरेडी बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में क्या होगा ई की पावर एक्स सॉरी क्या हो जाएगा इसका जो आंसर होगा ई की पावर एक्स होगा इंटू क्या होगा एफ एक्स और माइनस क्या होगा एफ डैश एक्स हो जाएगा और प्लस क्या होगा कॉन्स्टेंट सी। यानी समझना ये है कि कोई क्वेश्चन क्या रहेगा ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन और माइनस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन, तो इसका फाइनल आंसर कहाँ क्या होगा ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। क्वेश्चन समझते हैं जैसे कोई क्वेश्चन हमारे पास ई की पावर एक्स है इंटू क्या है हमारे पास कोई एक्स स्क्वायर है और माइनस क्या है टू है इंटू क्या है डी एक्स है, तो अगर एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे समझ लेते हैं थोड़ा सा साइड में कि एक्स स्क्वायर हमारा एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इसी फॉर्मूला पे अगर इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स की तरह ट्रीट करेंगे तो टू हमारा क्या हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। इसी क्वेश्चन पे आ गया कि ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स, तो इसका आंसर क्या होता है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स, तो ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर है बीच में माइनस और एफ डैश एक्स क्या है एक्स स्क्वायर का एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है क्या इस फॉर्मूला का वो क्या करना है इसको भी हम हमेशा याद रखना है इसको याद रखना है हमेशा। और इस फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको क्या हो क्लियर हो। एक क्वेश्चन हम लेते हैं क्या है क्वेश्चन लेते हैं क्या ई की पावर एक्स इंटू क्या है एल एन एक्स और माइनस क्या है वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या है डी एक्स, तो एल एन एक्स का मान लेते हैं ये हम मान लेते हैं साइड में कहीं पे कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है एल एन एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा वन बाई एक्स एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन बाई एक्स होता है, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया फंक्शन और माइनस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर है क्या सॉरी यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हम लोग को ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे ले लेते हैं प्लस ले लेते हैं क्या ले लेंगे प्लस ले लेंगे इस क्वेश्चन को एक बार एक मिनट रुक जाइए इसको इरेज करके दोबारा से सॉल्व करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा गैदरिंग हो गया नेक्स्ट पेज लेते हैं जैसे इंटीग्रेशन ऑफ क्या है नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ई की पावर एक्स इंटू क्या है एल एन एक्स है अब प्लस क्या है वन बाई एक्स स्क्वायर है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो प्रीवियस जो फॉर्मूला है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं एफ एक्स हमारे पास क्या होगा एल एन एक्स हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा वन बाई एक्स हो जाएगा एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर,
तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं कि एल एन एक्स प्लस प्लस नहीं एक मिनट माइनस यहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं इसको लिख देते हैं माइनस, और माइनस ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर लिख देते हैं इंटू क्या होगा डी एक्स। तो अगर एल एन एक्स को एफ एक्स मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बीच में माइनस है, और इसको बोल सकते हैं एफ डबल डैश एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होता है, कोई क्वेश्चन इक्की पावर एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एफ डैश एफ डबल डैश एक्स रहता है तो इसका आंसर होता है इक्की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है एल एन एक्स, माइनस क्या होता है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होता है वन बाई एक्स, प्लस क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। क्लियर है क्या? थैंक यू।